हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब अड्डा में स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए एक न्यू अपडेट के साथ आया हूं। तो झारखंड आने वाली पैसेंजर ट्रेनें दीपावली छठ के शुभ अवसर पर, यहां देखें पूरी लिस्ट। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दीपावली दशहरा के शुभ अवसर पर कौन सी ट्रेनें चलाई जा रही है, और अगर आप अपने घर वापस आना चाहते हैं, अपने राज्य वापस आना चाहते हैं, तो आप किस ट्रेन से वापस आ सकते हैं। और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आप अगर दिल्ली या फिर मुंबई में भी हैं तो आप अपने राज्य में वापस कैसे आ सकते हैं। अगर आप चेन्नई, पुणे या फिर राजस्थान में हैं तो अपने राज्य झारखंड कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर सारे डिटेल में बताया हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि IRCTC इंडियन रेलवे न्यूज मेल और एक्सप्रेस बनकर पटरी पर दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेनें, यहाँ देखें पूरी लिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग आगे देख लेते हैं, और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम दक्षिण पूर्व रेलवे की पैसेंजर ट्रेनें अब मेल और एक्सप्रेस बनकर दौड़ेगी, और ट्रेनों की प्रवृत्ति परिवर्तन के लिए जो है दपुर रेलवे जोन ने 36 पैसेंजर ट्रेनों का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा था, जिसमें चक्रधरपुर रेल मंडल की जो है 12 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जिस पर जो है रेलवे बोर्ड के उपनिदेशक विवेक कुमार सिन्हा ने मंजूरी दे दी है, साथ ही परिवर्तित ट्रेनों को जो है नई समय सारणी में प्रभावी कर चलाने का आदेश दिया है। और यहाँ पर जैसे कि आगे देख सकते हैं कि आदेश मिलने के साथ ही जल्द ही नए दिशा निर्देश के साथ दपुर रेलवे के चक्रधरपुर, रांची खड़गपुर एवं आंध्रा रेल मंडल में मेल और एक्सप्रेस में बदल कर पैसेंजर ट्रेनें चलेगी। दपुर रेलवे के नए दिशा निर्देश जारी होने के बाद ही ट्रेनों के समय और ठहराव एवं यात्रा टिकट दर में जुड़ी जानकारी यात्रियों को मिलेगी। जैसे ही इस ट्रेन का टिकट बुक होता है, मैं आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप भी इस ट्रेन का टिकट बुक कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप आगे देख सकते हैं कि रेल मंडल के 12 पैसेंजर ट्रेनों की बदलेगी प्रवृत्ति। यहाँ पर फर्स्ट में देख सकते हैं कि 58011 हावड़ा से चक्रधरपुर पैसेंजर ट्रेन, और 58012 चक्रधरपुर से हावड़ा पैसेंजर, और 58111 एक टाटा नगर से इतवारी पैसेंजर, 58112 इतवारी टाटा नगर पैसेंजर, और 58113 टाटा नगर से बिलासपुर पैसेंजर, 58114 बिलासपुर टाटा नगर पैसेंजर, 58131 राउरकेला पूरी पैसेंजर, और 58132 पूरी से राउरकेला पैसेंजर, 58661 एक टाटा नगर से हटिया पैसेंजर। और यहाँ पर आगे देख पा रहे हैं कि 58662 हटिया से टाटा नगर पैसेंजर, ये दपुर रेलवे जोन की पैसेंजर ट्रेनें की बदलेगी प्रवृत्ति। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में कि 58001 हावड़ा से पूरी पैसेंजर, 58002 पूरी से संतरागाछी पैसेंजर, 58003 हावड़ा से भद्रक पैसेंजर। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि 58004 भद्रक से हावड़ा पैसेंजर, 58005 खड़गपुर से खुर्दा रोड पैसेंजर, और 58006 खुर्दा रोड से खड़गपुर पैसेंजर, 58015 हावड़ा से आंध्रा पैसेंजर, और 58016 आंध्रा से हावड़ा पैसेंजर, और 58025 खड़गपुर से हटिया पैसेंजर। और यहाँ पर आगे देख पा रहे हैं कि 58026 हटिया से खड़गपुर, 68004 घाटशिला से हावड़ा मेमू, 68019 झारग्राम से जो है वो धनबाद मेमू, और 68020 धनबाद से झारग्राम मेमू, 68043 खड़गपुर आसनसोल मेमू। और यहाँ पर जैसे कि आप आगे देख पा रहे हैं कि 68044 आसनसोल से खड़गपुर मेमू, और 68085 खड़गपुर से रांची मेमू, 68086 रांची से खड़गपुर, 68103 खड़गपुर से गोमो मेमू। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे के मुताबिक त्योहारी सीजन में इससे यात्रियों को बड़ी राहत पहुँचेगी। इस ट्रेनों से सफ़र के दौरान अब स्टॉपेज कम होंगे और स्पीड बढ़ा दी गई है। इससे यात्री पहले की तुलना में अब जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इनके टाइम टेबल में भी बदलाव किया जा रहा है। वहीं रेलवे दिल्ली के लिए जो है 22 अक्टूबर से पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रही है। सहरसा और दरभंगा से इस ट्रेन का जो है संचालन किया जा रहा है।
वहीं 20 अक्टूबर से रेलवे ने 392 स्पेशल ट्रेनें चलाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो है लंबी वेटिंग लिस्ट वाले व्यस्त रूट्स पर क्लोन ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। यहाँ पर मैं आगे बता दूं कि अभी जो है वो रांची से जो है पटना के लिए ट्रेन भी चलेगी, तो जैसे ही उसका नोटिफिकेशन मिलता है आप लोगों को मैं उसका टिकट बुकिंग के लिए भी बता दूंगा या फिर आप उस ट्रेन से सफ़र कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप कमेंट कर रहे थे कि राजस्थान से कैसे आएँ, चेन्नई से कैसे आएँ, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि राजस्थान से आप हैं तो राजस्थान से दिल्ली और दिल्ली से हावड़ा और हावड़ा से रांची डाल्टनगंज गढ़वा रोड आ सकते हैं, या फिर हावड़ा से टाटानगर के लिए भी ट्रेन चल रही है, या फिर एक ट्रेन चल रही है आप लोगों का नई दिल्ली से डायरेक्ट आप लोगों का रांची के लिए ट्रेन चल रही है। तो अगर आप मुंबई में भी हैं तो मुंबई से न्यू दिल्ली और फिर न्यू दिल्ली से आप रांची आ सकते हैं। अगर आप चेन्नई में भी हैं तो चेन्नई से आप हावड़ा और हावड़ा से रांची जा सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर किसी को हटिया से जाना है तो हटिया से आप न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं तो मुंबई, और फिर अगर आप चेन्नई जाना चाहते हैं तो आप हटिया से आप जा सकते हैं हावड़ा, और हावड़ा से आप लोगों को चेन्नई के लिए ट्रेन मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि एक ही ट्रेन से मैं झारखंड आ सकता हूं, तो अगर आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान से झारखंड के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं आ रही है। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और आप कमेंट करते हैं, तो मैं सारी चीज़ें वीडियो में बता देता हूँ। मैं पिछले वीडियो में ही बताया था कि मुंबई दिल्ली चेन्नई से आप अपने घर वापस कैसे आ सकते हैं, तो अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है तो आप हमारे चैनल पर जा करके उस वीडियो को आप देखें। आप लोगों को थंबनेल में ही लिखा होगा कि मुंबई दिल्ली चेन्नई से आप अपने झारखंड राज्य में कैसे आ सकते हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर जा करके देखें। और यहाँ पर मैं आगे बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ये कमेंट कर रहे थे कि जम्मू तवी से झारखंड के लिए, तो जम्मू तवी से आप लोगों को मैं बता दूं कि जम्मू तवी से दिल्ली और दिल्ली से हावड़ा, या फिर आप दिल्ली से रांची के लिए डायरेक्ट आ सकते हैं, या फिर टाटानगर जाना चाहते हैं तो दिल्ली से हावड़ा और हावड़ा से टाटानगर धनबाद आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटी सी एक आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि अगर आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को कहीं पर इमरजेंसी जाने के लिए है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक घंटा ट्रेन अगर आने वाली है एक घंटा लेट से, तो आप लोग एक घंटा पहले या फिर आधा घंटा पहले ही आप स्टेशन पर ही टिकट को बुकिंग कर सकते हैं ऑफलाइन। अगर आप लोगों को कहीं पर यात्रा अगर ज़रूरी है तो आप स्टेशन पर जा करके आधा घंटा ट्रेन के आने से पहले आप टिकट को बुकिंग करा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो टिकट जहाँ पर मिलता है उससे आप संपर्क करें और वहाँ पर अपना टिकट को बुकिंग करा लें, और अपने ट्रेन से आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं इस तरह से। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी कि आप टिकट बुकिंग कैसे करेंगे। आप लोगों को मैं जल्द ही एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे करा सकते हैं ट्रेन के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।